जी स्टूडेंट मैं आपको जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है वो मैं आपको दोबारा से समझा रही हूँ ठीक है तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे एक्ट करता है इट एक्ट बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ठीक है इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ठीक है सपोज़ वी फाइंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Between Earth and a small object falling on Earth. Let us suppose this is the Earth, we say A, and this is a small object, this is the P. We, we take capital M is the mass of small earth and small m is the mass of object and d is the distance between their centers then according to law of universal law of gravitation the force the force of attraction is directly proportional to this is a symbol of directly proportional directly proportional to the product of the their masses of the object m is the mass of capital object and a small m is the mass of small object and the force of attraction is inversely when we write inversely we write is 1 upon inversely proportional to the square of distance here d is a distance, 2 is a square of distance between them. okay? when we join these two equations, we find force is directly proportional to the product of masses of two objects and inversely proportional to the square of distance. and when we remove this proportionality constant, we write g. we are g. Is a constant of a proportionality and known as a Universal Gravitational Constant. ठीक है एंड इट्स अ वैल्यू व्हेन वी रीअरेंज दिस इक्वेशन वी फाइंड एफ इंटू डी स्केयर अपॉन एम इंटू एम इक्वल टू जी ठीक है एंड द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन डिस्टेंस इज मीटर एंड वेट किलोग्राम इंटू किलोग्राम सो यूनिट ऑफ जी इज अ न्यूटन मीटर स्केयर पर किलोग्राम स्केयर ओके जी स्टूडेंट अब हमने क्वेश्चन करना है एग्जाम्पल चैप्टर के क्वेश्चन किया द मास ऑफ इज़ सिक्स पॉइंट मासू टेन एस टू पावर फोर किलोग्राम एंड दैट ऑफ मून इज सेवन पॉइंट फोर इंटू टेन एस टू पावर ट्वेंटी टू किलोग्राम इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज थ्री प्वाइंट एट फोर इंटू टेन एस टू पावर फाइव किलोमीटर कैलकुलेट द फोर्स एग्जर्ट बाय द अर्थ ऑन द मून मतलब हमने क्या फाइंड करना है कि जो अर्थ है वो मून पे कितनी फोर्स एग्जर्ट कर रही है कितनी फोर्स शो कर रही है लगा रही है ठीक है तो इसमें जी की वैल्यू क्या दी हुई है सिक्स पॉइंट सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्केयर पर किलोग्राम स्केयर ठीक है अब देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड करेंगे इसमें हमारे पास जो एम है कैपिटल एम अर्थ है ठीक है इसकी वैल्यू इसका मास हमें कितना दिया हुआ है सिक्स इंटू टेन एस टू पावर ट्वेंटी फोर किलोग्राम जो मास ऑफ मून है वो हमें कितना दिया हुआ है सेवन प्वाइंट फोर इंटू टेन एस टू पावर ट्वेंटी टू किलोग्राम एंड डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून वो हमें कितना दिया हुआ है थ्री प्वाइंट एट फोर इंटू टेन एस टू पावर फाइव किलोमीटर और G की वैल्यू हमें क्या दी हुई है सिक्स प्वाइंट सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्र अब देखो हमने फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एफ इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन डी स्केयर वेयर जी के आपके पास यूनिवर्सल ऑफ कॉन्स्टेंट एम इज द मास ऑफ अर्थ स्मॉल एम इज द मास ऑफ मून डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दम बिटवीन दम ठीक है ये हो गया आपके पास अर्थ बिग और ये हो गया आपके पास मून ओके okay? इसको कैपिटल एम इसको हम क्या लिखते हैं स्मॉल एम तो अब इसमें हम जी की वैल्यू फिल करेंगे जी की वैल्यू क्या आपकी आई है सिक्स पॉइंट सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस इलेवन इंटू कैपिटल एम की वैल्यू क्या है सिक्स इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी फोर इसकी वैल्यू क्या है सेवन पॉइंट फोर इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी टू नीचे हमारे पास डी की वैल्यू क्या है थ्री प्वाइंट एट फोर इंटू टेन टू पावर फाइव टेन एस टू पावर एट अब यहाँ पे किलोमीटर में है ना अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास आता है थ्री पॉइंट टेन एस टू पावर एट एट किलोमीटर एट मीटर बिकॉज एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं हजार मीटर होते हैं ठीक है टेन एस टू पावर एट स्केयर मीटर स्केयर अब इसको हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे सिक्स पॉइंट सेवन मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई सेवन फोर नीचे थ्री पॉइंट एट फोर क्या जाएगा टू टाइम्स ओके अब इसमें टेन एस टू पावर माइनस इलेवन फिर प्लस ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी टू और माई ये कितने हो गए एट और एट सिक्सटीन माइनस के सिक्सटीन अब इनकी जो पावर्स है ठीक है अगर हमें पता है कि हमने मैथ में किया हुआ है अगर एक्स एस टू पावर ए इंटू एक्स एस टू पावर बी तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस वी तो पावर क्या हो जाती है प्लस में अगर टू पावर ए अपॉन टू पावर बी है तो ये क्या हो जाती है माइनस में सो so, नीचे वाली टर्म ऊपर जाके माइनस हो गई और ऊपर वाली जो तीन टर्म्स थी वो आपस में क्या होगी प्लस तो इसको हमने अलग से सॉल्व करना है जब हम इसको सॉल्व करते हैं सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है टू प्वाइंट जीरो वन इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी न्यूटन इट मीन्स फोर्स एक्सर्ट बाय अर्थ ऑन मून इज टू प्वाइंट जीरो वन इंटू टेन इज टू पावर ट्वेंटी न्यूटन ओके हांजी स्टूडेंट अब हमारा अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन मतलब जो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है तो इसमें क्या है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन द सर्वल फिनोमिना विच आर बिलीव टू बी अनकनेक्टेड फोर्स ओके फोर्स कौन सा फिनोमिनन है द फोर्स दैट बाइंड अस टू अर्थ मतलब कौन सी फोर्स के साथ जो हम हम अर्थ के साथ जुड़े हुए हैं द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ मतलब जो किस मोशन के साथ जो मून है वो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन किस मोशन के साथ जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं एंड द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन और मून और सन के कारण कौन सी टाइड आती है टाइड का क्या मतलब होता है लहर आती है ठीक है तो आपने ये जो चार ये क्या है उसकी इम्पोर्टेंस है इनकी वजह से हम ये चीज ये चार फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सके ओके तो हमारा नेक्स्ट आ जाता है अगला टॉपिक आ जाता है फ्री फॉल फ्री फॉल क्या होता है जब हम किसी चीज को खुला छोड़ते हैं लेट लेटस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी टेक ए स्टोन तो हमें एक पत्थर है थ्रो इट पत्थर को ऊपर उछालो ठीक है इट रीच इज ए सर्टन हाइट एंड देन इट स्टार्ट फॉलिंग जब एक आप एक पत्थर को लेके उसे ऊपर उछालते हो तो वो एक ऊंचाई तक ऊपर जाता है और उसके बाद जो वो पत्थर है वो वापस नीचे आ जाता है ठीक है वी हैव लर्न देंट अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टू वर्ड तो हमने यही पढ़ा कि जो अर्थ है वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल टू वर्ड द अर्थ अंडर दिस फोर्स अलोन वी सेट दे आर इन फ्री फॉल मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट धरती की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट होता है तो हम उसे कह सकते हैं द तो ऑब्जेक्ट किस में है फ्री फॉल में ठीक है तो इज देयर एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट तो जब से कोई चीज ऊपर जाके एक नीचे गिरती है तो उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क आता है जब वो नीचे गिरती है तो वाइल फॉलिंग जब वो कोई चीज नीचे गिरती है देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट तो आप देखिए जब कोई चीज नीचे गिरती है तो उसके मोशन में कोई भी फर्क नहीं आता आप देखते हो कि जब आप एक पत्थर को ऊपर उच... उछालते हो तो वो एकदम सीधा नीचे आता है ये तो नहीं वो टेढ़ा मेढा हो जाता है सीधे ही नीचे आता है ना जब वो सीधा नीचे आता है इट मीन उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई भी चेंज नहीं आता बट ड्यू टू अर्थ अट्रैक्शन देयर विल बी ए चेंज इन द मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी पर धरती की अट्रैक्शन की वजह से उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है वैल्यू ठीक है मतलब उसकी जो वैल्यू है उसमें क्या जाता है चेंज आता है उसकी वैल्यू में चेंज आता है एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व एक्सेलरेशन वेन एयर वेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल टू वर्ड द अर्थ एन इज इन्वॉल्व मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आता है तो उसे हम कहते हैं इट जब कोई ऑब्जेक्ट धरती की तरफ गिरता है तो उसमें एसेलरेशन इन्वॉल्व होता है दिस एसेलेशन इज ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ये एसेलरेशन किसकी वजह से होता है धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डियर फोर दिस एसेलरेशन इज कॉल्ड एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ डियर फोर इसलिए जो एसेलरेशन होता है एसेलरेशन क्या होता है चेंज इन ऑफ़ द ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी में कोई चेंज होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो इस एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से डिनोट करते हैं द यूनिट ऑफ जी के इज सेम ऑफ़ देशन तो यूनिट ऑफ जी के आपके पास मीटर पर सेकेंड स्केयर स्टूडेंट अब आगे हमने इसकी डेरिवेशन करनी है वी वी नो दैट फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन दैट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन मीन्स अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स है वो किसके इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ठीक है तो आगे हमने करना है लेट द मास ऑफ स्टोन इन एक्टिविटी टेन पॉइंट टू बी एम हमने अभी जो टेन एक्टिविटी टेन पॉइंट टू की है उसमें हम सपोज करते हैं कि जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है stone है स्टोन उसे हम क्या लेते हैं स्मॉल एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लेते हैं स्मॉल एम डी दैट देयर इज एसे इन्वोल्न फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू एसेलरेशन फोर्स एंड कि जब कोई चीज ऊपर से गिरती है तो उसमें एसेलरेशन इन्वॉल्व होता है तो वो एसेलरेशन किसकी वजह से होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है और इसलिए हम उसको क्या किसके साथ डिनोट करते हैं जी की जी से डिनोट करते हैं देयर फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स तो इसलिए हम आगे लिखेंगे कि जो फोर्स है वो किसके इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मास एंड जी वे जी के एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जब को ही हम चीज जैसे यहाँ पे स्टोन है ठीक है आप स्टोन को ऊपर की तरफ उछालते हो ठीक है तो आप उछालते हो जब स्टोन क्या चल जाता है ऊपर आ जाता ऊपर चलता जा, है तो दोबारा जब वो क्या करता है नीचे ग्राउंड की तरफ जंप बैक करता है तो उसमें जो जिस विलोस्टी के साथ चेंज करता है जब वो ऊपर ऊपर जाता है एक सर्टन हाइट तक उसके बाद वो नीचे जंप करता है जब वो नीचे जंप करता है तो उसकी विलोस्टी क्या हो जाती है चेंज होती है विलोस्टी चेंज को हम क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन तो तो वो चीज जो एक्सेलरेशन को जब कोई स्टोन ऊपर से नीचे गिरता है तो उसके एक्सेलरेशन और वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है ठीक है दोबारा से समझ लो हम कोई स्टोन है स्टोकोन हम ऊपर उछालते हैं ठीक है उसके बाद वो स्टोन है वो दोबारा क्या आ जाता है नीचे आ जाता है जब वो स्टोन नीचे आ जाता है तो उसकी विलोसिटी क्या होती है चेंज होती है और विलोस्टी चेंज को हम क्या बोलते हैं एसेलरेशन और उसके एसेलरेशन में क्या होती है ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि कोई चीज ऊपर से नीचे किसकी वजह से आती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है इसलिए हम यहाँ पे फोर्स इसलिए मतलब जो फोर्स है वो किसके इक्वल होगी एम इंटू जी एम क्या हो गया मास ऑफ स्टोन मास ऑफ स्टोन और जी क्या होगी आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसलिए हम दोबारा फोर्स को क्या लिखेंगे एफ इक्वल टू एम जी ठीक है तो पीछे हमने हां जी तो पीछे हमने किया, किया हुआ है आल्सो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से हमारे पास फोर्स की क्या वैल्यू थी जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर तो ये भी देखो ये भी एक फोर्स की फॉर्म है और ये भी एक फोर्स की फॉर्म है अगर हम कंपेयर किए फ्रॉम वन एंड टू ठीक है तो जो एम जी है वो किसके इक्वल है जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर ठीक है और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी एम है यहाँ पे एम है तो एक दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसल तो जी की वैल्यू क्या आ गई जी एम अपॉन डी स्केयर वेयर एम है? मास ऑफ अर्थ ओके यहाँ पे आप बुक में भी देख सकते हो एम जी इक्वल टू जी एम इन एम डी स्केयर जी इक्वल टू कैपिटल जी एंड वेयर एम इज द मास ऑफ अर्थ डी इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ ओके हाँ जी उसके बाद हम करेंगे लेटन ऑब्जेक्ट भी नियर